हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। मेरी कोई मदद तो नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। नहीं फरीद, हम कर लेंगे बंद। मुआहदे के मुताबिक आपके जाने का वक्त हो गया है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, हमारा मुआहदा। आप लोग काम करेंगे और मैं पैसे गिरूंगा। गुड नाइट। शब खैर। हेलो फरीद साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया उमर। कुछ देर पहले कार्गो के जरिए आपके लिए एक पैकेट आया है, दरवाजे पे रखा है। इस वक्त आया है? जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाय, थक गई यार। सब कस्टमर्स के जाने के बाद 2 घंटे लगते हैं रेस्टोरेंट बंद करने में, वाकई थकन हो जाती है। ये काम बहुत मुश्किल है फतोश, तुम्हें क्या लगा? मनामी नीचे का काम संभाल रही है, कह रही थी कि आप जाएं, सुबह मिलते हैं। क्या हुआ है, तुम परेशान लग रही हो? और ये थकावट नहीं लग रही, बताओ क्या हुआ? अभी सबसे मुश्किल काम करना है हमें। और वो क्या? मुझे तो लगा कि मुश्किल काम हो चुका है। फरीद को सब बताना। हाँ ठीक है ना, बता दोगी तुम? वैसे भी बहुत टाइम पड़ा है यार, अभी जो कुछ चल रहा है उसका मजा तो लेने दो ना यार। गुजरे हुए दिनों में मैंने काफी एंजॉय कर लिया है फतोश, अब सही वक्त आ गया है, मुझे सच्चाई का सामना करना है, आज नहीं तो कल। हाँ ठीक है, आराम से जाओ और आराम से आओ, घर पे मिलते हैं हम। खुदा हाफिज। तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। आसमान के फोन से ली गई कुछ तस्वीरें हैं ये। आज शाम कोई ये मेरे घर पर छोड़ के गया है, एक USB के साथ। मैंने मोबाइल में सेव कर ली। अहमद और हक्कान ने ये दस्तावेजात अदालत में पेश किए थे। ये तस्वीरें मेरे घर में खींची गई थी। जाहिर है कि आसुमान नहीं ली होंगी और उसने अहमद को दे दी। नाजली, सच बोलो, क्या तुम्हें इस बात का पता था? पता था।
यानी सब कुछ जानने के बाद भी तुम चुप रही, ऐसा ही है ना? नाजली तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में नाजली यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैं जानती हूं, मैं बता नहीं पाई, शुरू से मैंने बहुत चाहा, बहुत कोशिश की, पर बता नहीं सकी। इसी वजह से तुम मुझसे दूर हो गई थी। वो बात जो तुम नहीं बता पा रही थी वो यही थी, तुमने मुझे सच बताने के बजाय मुझसे भागना बेहतर समझा नाजली। मैं सिर्फ आसुमान को बचाना चाहती थी फरीद। आसुमान, आसुमान की वजह से बुलुत की तहवील नहीं पा सका मैं। तुम अपनी बहन को बचाना चाहती थी, इस वजह से मैंने अपना भांजा खो दिया। तुम पर भरोसा किया था मैंने, इतना भरोसा कि मैंने आज तक किसी पे नहीं किया। दुख हुआ, we'll be right back.